हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू डिलीट फेल ट्रांजैक्शन इन फोन पे। फोन पे में आप अपना फेल ट्रांजैक्शन कैसे डिलीट कर सकते हैं, यही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सको। तो जीमेल सबसे पहले ओपन करेंगे, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले लिखेंगे नेम का कॉलम, उसमें आपको अपना पूरा नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। इसके बाद आपको स्पेस देके लिखना है नंबर का कॉलम, नंबर के कॉलम में आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वेस्ट का कॉलम। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ वही सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है प्लीज़ डिलीट माई फेल ट्रांजेक्शन इन फोन पे एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद नीचे स्पेस देना है और लिख देना है थैंक्स एंड वार्म रिगार्ड्स। ये लिखने के बाद आपको ऊपर सब्जेक्ट का कॉलम दिखेगा, वहाँ पे उसी से रिलेटेड हम लिखेंगे फेल ट्रांजेक्शन डिलीट रिक्वेस्ट। ये सब कुछ लिखने के बाद आपको सबसे लास्ट में फ़ोन पे की जीमेल आईडी डालना है, वो उसके एप्लीकेशन से मिल जाएगी हेल्प एंड सपोर्ट के ऑप्शन पे से। ईमेल आईडी वहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर आपको अपना ईमेल अच्छे से एक बार चेक करना है। जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए और उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पूरा ईमेल जैसी आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद आप अपना ईमेल सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के कुछ देर के बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा, क्या आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर आपका फेल ट्रांजेक्शन डिलीट हो जाएगा। ये है पहला ऑप्शन जहाँ पे आप ईमेल के थ्रू रिक्वेस्ट करके अपना फेल ट्रांजेक्शन डिलीट या फिर रिमूव कर सकते हैं। बात करूँ सेकेंड ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली फ़ोन पे ओपन करना है, वहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट या फिर कॉन्टेक्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा। वहाँ पे आप कस्टमर केयर से लाइव चैट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बता देना है कि आपको अपना फेल ट्रांजेक्शन या फिर डिलीट करना है, इसका प्रोसीजर क्या है। जो प्रोसेस आपको कस्टमर केयर बताएंगे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और वहाँ से भी आप अपना फेल ट्रांजेक्शन डिलीट या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो अलग ऑप्शन बता दिया है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन ट्राई करके आप अपना फेल ट्रांजेक्शन डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका फेल ट्रांजेक्शन डिलीट हो गया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके बाय।